सो so, जैसे हमने डिस्कस किया कि अब हमें रिपोर्ट्स की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है एंड रिपोर्ट्स की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स स्पेसिफाई किए हैं सो वन बाय वन हमें सारे रिपोर्ट्स के लिए फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा फॉर्म क्रिएशन के बाद हम उसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे डिजाइनिंग करने के बाद लॉजिक लिखने के बाद हम यहां पे जो एम डी आई फॉर्म के ऊपर हमने रिपोर्ट मेनू बनाया है राइट right? उसके अंदर हमें वो सारे रिपोर्ट्स को लिंक करना पड़ेगा राइट? Right? सो so हम रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे थर्टीन डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे राइट ओके सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम थोड़ा स्लो जाएंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट तो हमारा रिपीटेशन था इसलिए हमने वहां पे सिर्फ uh, मैं मुझे आपको बताना था कि इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे होता है इन सिंपल वे बिकॉज हमने ऑलरेडी वो टीबीएर डीपीटी टेबल के ऊपर देख लिया था राइट right? सो so, अब हम रिपोर्ट अगेन ऑब्वियसली स्लो ही जाएंगे बिकॉज हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा उसके ऊपर डिजाइनिंग करना पड़ेगा लॉजिक लिखना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एफ आर एम एम डी आई के ऊपर उसे अटैच भी करना पड़ेगा राइट right? राइट सो so स्टार्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं किसके रिलेटेड है हमें रिपोर्ट किसके लिए बनाना है डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय है उसका काउंट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे काउंट के साथ साथ हम एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी डिस्प्ले कर देंगे अगेन आई रिपीट फर्स्ट रिपोर्ट किसके लिए है डिस्प्ले right? टोटल कितने इन right? शॉर्ट इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें एम्प्लॉय काउंट डिस्प्ले करना है लेकिन एम्प्लॉयज के काउंट के साथ साथ हम यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी यूजर को डिस्प्ले करके देंगे ओके okay? सो लेट्स डू वन थिंग एज आई है हमें उसके रिलेटेड पहले तो फॉर्म एड करना पड़ेगा सो so प्रोजेक्ट में हम फॉर्म कैसे एड करेंगे सोल्यूशन एक्सप्लोर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक एड न्यू आइटम राइट न्यू आइटम करेंगे सो so यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज फॉर्म्स मिडल पेन में से सिलेक्ट करेंगे विंडोज फॉर्म्स एंड उसके बाद हम यहाँ पे उसका नेम स्पेसिफाई करेंगे लेकिन नेम स्पेसिफाई करने से पहले अब हम यहाँ पे थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन चेंज करेंगे क्यों? अभी तक हम हम फॉर्म्स क्रिएट करते करते थे, थे तो फॉर्म का नेम स्टार्ट करते थे विद लेकिन अब हमें यहाँ पे दो फॉर्म्स ही क्रिएट करने हैं लेकिन हम वो फॉर्म्स रिपोर्ट्स के लिए यूज करेंगे राइट इसलिए हम ये फॉर्म का नेम स्टार्ट करेंगे आर पी टी रिपोर्ट्स अगेन आई रिपीट फॉर्म का नेम स्टार्ट करेंगे RPT, reports, ताकि हम सोलूशन एक्सप्लोर में इजिली बाइफोगेट कर सके कौन सा फॉर्म है के जो हम बाकी सारे करने के लिए करेंगे और कौन सा रिपोर्ट रिलेटेड फॉर्म राइट सो वो हम यहाँ पे बाइफोगेट कर सकते हैं विथ इट्स नेम सो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट रिलेटेड जो फॉर्म है उसका नेम स्टार्ट किया दट इज आर पी टी राइट right? अब मुझे रिपोर्ट किसके लिए जनरेट करना है टोटल एम्प्लॉइज के लिए जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्म का नेम दे दूंगी फॉर्म का ऊपर right? क्लिक करेंगे सो so यहाँ पे हमें फॉर्म मिला राइट right? अब प्रॉपर्टीज हम चेंज कर देते हैं सो प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे पहले तो हम टेक्स प्रॉपर्टी उसकी चेंज करेंगे दैट इज टोटल एम्प्लॉय राइट हम यहाँ पे वो लिखेंगे उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे फॉन्ट की साइज हम चेंज कर देंगे ट्वेल्व राइट एंड आफ्टर दैट एज आई हैव टोल्ड कि हमें यहाँ पे क्या करना है हम यहाँ पे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करेंगे एंड अलोंग विद दैट हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी डिस्प्ले करेंगे तो उसके रिलेटेड डिजाइन बना देते हैं राइट right. डिजाइन के अंदर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब भी हमें रिपोर्ट बनाना है तो हम वहां पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल रखेंगे और डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हम सारे एम्प्लॉय के सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं राइट सो टूल बॉक्स में से डेटा टैब में से हम कंट्रोल लेंगे दैट इज डेटा ग्रिड व्यू राइट सो यहाँ पे जैसे ही हमने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल रखा वी आर एबल टू सी द कंट्रोल उसे हम अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं राइट ओके नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल डी जीवीपी राइट हमें एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो मैंने यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का नेम दिया दैट इज डी जीवीएम पी राइट सो ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में तो सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी लेकिन हमें उसके साथ साथ काउंट ऑफ एम्प्लॉयज भी डिस्प्ले करना है राइट right? सो so, वो काउंट ऑफ एम्प्लॉइजियसली हम लेबल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करेंगे सो so, हम यहाँ पे टूल बॉक्स में से कॉमन कंट्रोल स्टेब में से लेबल कंट्रोल लेंगे राइट right? सो so, वो लेबल कंट्रोल हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं राइट right? उसकी नेम प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे दैट इज एल बी एल काउंट दट इज लेबल कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी एल बी एल काउंट उसके साथ साथ उसकी property हम 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 कर देते हैं, हमें यहाँ पे पे करना है, वो right? वो भी हम run time के ऊपर करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसकी टेक्स प्रॉपर्टी को एम कर दिया राइट सो एज यू आर एबल टू सी आप यहाँ पे लेबल तो देख सकते हो लेकिन उसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं है Now along with that, हम क्या करते हैं हैं इसके ऊपर एक button control भी रखते so again, toolbox में से कॉमन कंट्रोल टैब में से बटन कंट्रोल लेंगे right? मैंने यहाँ कंट्रोल ले लिया बटन कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे that is BTN, close, because मुझे ये बटन क्लोज ये पर्टिकुलर फॉर्म को क्लोज करने के लिए यूज करना है एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे क्लोज इन शॉर्ट ये क्लोज बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हम ये पर्टिकुलर फॉर्म क्लोज करने का लॉजिक लिखेंगे राइट right? ओके okay. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्म एड करेंगे डिजाइन करेंगे उसके बाद हमें ऑब्वियसली इसके रिलेटेड कोडिंग लिखना है राइट सो कोडिंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे ऑब्वियसली हमें डेटाबेस के साथ इंटर करना है तो वो दो नेम स्पेसिस चाहिए सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यू एल क्लाइंट एंड सिस्टम डॉट डेटा उसके बाद हमारे पास कनेक्शन होना चाहिए एंड कनेक्शन के बाद हम कमांड क्रिएट करके सारी चीज कर सकते हैं राइट सो स्टार्ट कोडिंग के ऊपर जाने के लिए फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक व्यू कोड करेंगे राइट व्यू कोड के अंदर हम पहले तो वो दो नेम स्पेसिज एड कर देंगे सो वी विल राइट इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL client that is our first namespace. Second namespace है imports system dot data. मतलब two namespaces हमारे पास आ गई कि जिसका use हम database interaction के साथ कर सकते हैं, right? Along with that हम यहाँ पे connection का object create कर देंगे that is dim con as new SQL connection.

प्रॉपर्टीज़ यूज करेंगे अगेन आई रिपीट सर्वर एक्सप्लोरर में जो डेटाबेस है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे राइट राइट क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे सो प्रॉपर्टी विंडो में थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग सो हम पूरी जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू है वो हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे राइट right? और कॉपी करके ये पर्टिकुलर कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर ये डबल कोटेशन के बीच में हम प्लेस कर देंगे राइट right? सो so अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ये कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग हमने स्पेसिफाई की है दैट इज इन डबल कोटेशन सो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग रेड कलर में हमें दिखनी चाहिए लेकिन आप देख सकते हो बीच में एक्स्ट्रा डबल कोटेशन आ गए हैं सो so, वो हम निकाल देंगे, राइट सो एस वी हैव एक्स्ट्रा डबल कोटेशन तो आप पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग देख सकते हो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग रेड कलर के अंदर हमें मिल गई है इन शॉर्ट अब हमारे पास कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है और कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है राइट right? अब हमें क्या करना है जब हम ये रिपोर्ट वाला फॉर्म लोड करेंगे सो so लोड करने के साथ साथ हमें डेटा ग्रिड व्यू में सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है एंड अलोंग विद दैट हमने जो यहाँ पे लेबल कंट्रोल रखा है वो लेबल कंट्रोल के अंदर टोटल एम्प्लॉइज का काउंट भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है राइट right? सो so उसके रिलेटेड हम यहाँ पे फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर वर्क करेंगे सो so फॉर्म की लोड इवेंट ओपन करने के लिए हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे सो so, यहाँ पे मैंने फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया सो so, आप देख सकते हो हमारे फॉर्म की लोड इवेंट यहाँ पे ओपन हो गई राइट सो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो है ही तो so, अब हमें कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बिकॉज हमें यहाँ पे क्वेरी स्पेसिफाई करनी है सो so, मैं यहाँ पे लिखूंगी दट इज डीम सी एम डी एज न्यू एस कमांड राइट पहला पैरामीटर हमें यहाँ पे क्वेरी स्पेसिफाई करनी है एंड उसके साथ साथ हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच करना है अब हमें क्वेरी क्या लिखनी है हमें एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं दैट इज क्वेरी बिकॉज हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए तो पहले हमें यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज चाहिए होंगे राइट सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पेक्ट क्वेरीफायर करेंगे Select query के अंदर हम हम सारे employees की information को कर कर देंगे। so students, हम यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हैं। हमें पता है कि एम्प्लॉ टेबल में हमारे पास सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर है लेकिन अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट नंबर के साथ साथ हम डिपार्टमेंट नेम भी डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि हम अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर सके कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये नेम के डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है राइट सो लेट स्टार्ट हम उसकी क्वेरी लिखते हैं नेम सैलरी राइट फिर हमारे पास दूसरी जो फील्ड है दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर दैट हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है तो वो भी कर सकते हैं और डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है वो भी कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ डिपार्टमेंट नेम भी डिस्प्ले कर सकते हैं सो लेट्स डू वन थिंग हम डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम दोनों चीज यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं राइट सो डिपार्टमेंट नंबर अब क्या है दोनों टेबल में प्रेजेंट है तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी कि कौन से टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर लेना है तो ऑब्वियसली हमें यहां पे उसको नेम करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड हमें कौन से टेबल में से चाहिए तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे टीबीएलपी डॉट डी पी टी एनओ सो एम्प्लॉय टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर चाहिए एंड अनदर फील्ड इज डिपार्टमेंट नेम वो तो एक ही टेबल में है तो हम डायरेक्टली वो फील्ड का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम क्लॉज लिखना है टीबीएल ई एम पी कॉमा टीबीएल ई एम पी कॉमा टीबीएल डी राइट सो फॉर्म क्लॉज के अंदर हमने दोनों टेबल भी स्पेसिफाई कर दिए बिकॉज डिपार्टमेंट नेम हमें टीबीएल डीपीटी टेबल में से मिलेगा अब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें वेयर क्लॉज के अंदर दोनों टेबल्स को जॉइंट करना पड़ेगा तो ही हमें डिपार्टमेंट नेम भी साथ में मिलेगा राइट सो जॉइंट करने के लिए ऑब्वियसली हम डिपार्टमेंट नंबर फील्ड का यूज करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे टीबीएल ईएमपी डॉट डीएपीटीएनओ इज इक्वल टू टीबीएल डीपीटी डॉट डीपीटीएनओ So, यहां पे हमने दोनों टेबल को ज्वाइंट करने के लिए भी वेयर कंडीशन लिख दी और वो ज्वाइंट हमने किसके ऊपर किया डिपार्टमेंट नंबर फील्ड के ऊपर किया राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ के हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं रिपोर्ट जनरेट करने के लिए राइट right? अब हमें पता है कि अगर हमारे पास सिलेक्ट क्वेरी है तो हमें वो सिलेक्ट क्वेरी हम फायर करेंगे सो so उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स आएंगे वो रिकॉर्ड्स को हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे हैंडल करना पड़ेगा वो हैंडल करने के लिए हम डेटा सेट का यूज करेंगे लेकिन डेटा सेट हम डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते तो उसके रिलेटेड हमारे पास डेटा एडाप्टर होना चाहिए राइट right? सो so हम यहां पे डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज डी ए राइट right? और डेटा Adapter के अंदर तो हमें कमांड स्पेसिफाई करना है सो so डेटा Adapter के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त हम जो कमांड ऑब्जेक्ट है हमारा CMD, एम डी वो भी यहाँ पे अटैच कर देंगे राइट right? मतलब डेटा एडप्टर्स को पता चले कि भैया मुझे कौन से कमांड को फायर करके रिकॉर्ड लाना है अब हमें डेटा किसके अंदर लाने हैं डेटा सेट के अंदर लाने हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास डेटा सेट का भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अब मेरे पास कनेक्शन है, कमांड है डेटा एडप्टर है एंड डेटा सेट है अब हमें क्या करना है ऑब्वियसली डेटा एडप्टर विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डेटा एंड डेटा सेट सो डेटा एडप्टर का यूज करके मुझे डेटा सेट को फिल करना है

EMP इन शॉर्ट डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो TBL EMP और TBL DPT है लेकिन यहाँ पे जो डेटा सेट के अंदर ये क्वेरी का यूज करके जो रिकॉर्ड्स आएंगे उसका जो टेबल बनेगा उसका हमने नेम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है EMP इन शॉर्ट अब मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो है अब क्या करना है ये डेटा ग्रिड व्यू के डेटा सोर्स में मुझे वो डेटा सेट को सेट कर देना है सो वी विल राइट द स्टेटमेंट दैट इज डेटा ग्रिड व्यू नेम दैट इज डी जीवी डॉट डेटा सोर्स उसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सेट करनी है इन शॉर्ट मुझे डेटा कहाँ से लाना है वो सेट करना है सो डेटा कहाँ पे है डेटा सेट के अंदर जो टेबल्स कलेक्शन है वो टेबल्स कलेक्शन में जो ई एम पी टेबल है उसमें से मुझे रिकॉर्ड्स लाने हैं सो so वो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट थ्रू स्पेसिफाई कर दिया अगेन आई रिपीट हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया डी ऑफ द डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल उसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी हमने सेट की डेटा कहाँ से लाने हैं डेटा सेट में जो टेबल्स कलेक्शन है उसमें जो ई एम पी टेबल है उसमें से हमें डेटा लाने हैं इन शॉर्ट सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में आ जाएंगे लेकिन अब हमें सेकेंड टास्क कौन सा करना है हमें यहाँ पे काउंट भी डिस्प्ले करना है सो ऑब्वियसली काउंट को डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी पड़ेगी सो सिलेक्ट क्वेरी हम यहाँ पे फायर करेंगे दैट इज सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय वो सिलेक्ट क्वेरी हम यहाँ पे फायर कर सकते हैं सो अगेन अगर हमें हमें क्वेरी फायर करनी है तो उसके रिलेटेड हमें कमांड ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट करना पड़ेगा राइट सो so हम यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करेंगे दैट इज वन बिकॉज़ ऑलरेडी यहाँ पे सीएमडी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है सो so हम यहां पे स्पेसिफाई करेंगे सीएमडी1 एज न्यू एसक्यूएल कमांड राइट क्वेरी लिखेंगे और उसके साथ सेम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम अटैच कर सकते हैं बिकॉज़ कनेक्शन तो एक ही रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर क्वेरी अलग अलग फायर होगी इसीलिए हम यहाँ पे सेम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं नाउ अगेन सिंपल क्वेरी काउंट करना है तो सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल इम पी मतलब एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है वो सबके काउंट चाहिए सो so, वो क्वेरी हमने यहाँ पे लिख दी नाउ वॉट स्टूडेंट्स ये जो क्वेरी है दिस टाइप ऑफ क्वेरी इज नोन एज सिंगल टर्न क्वेरी अगेन आई रिपीट ऐसी क्वेरीज कि जो सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगा मुझे सिर्फ एक नंबर रिटर्न करेगी ये क्वेरी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है टेन है हंड्रेड है मीन्स वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी और ऐसी क्वेरीज कि जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है ऐसी क्वेरीज को हम सिंगल टर्न क्वेरी कहेंगे अगेन आई रिपीट ऐसी क्वेरीज के जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काउंट है उसकी जगह मैंने सम लिखा होता राइट मिनिमम मैक्सिमम, ऐसी कोई भी चीज जो हम फाइंड करते हैं और ऐसी क्वेरी के जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है राइट ऐसी क्वेरीज को हम सिंगल टर्न क्वेरी कहेंगे राइट right? और सिंगल टर्न क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अलग मेथड यूज करनी पड़ेगी

राइट सो सिंगल वैल्यू एंड हमें पता है इट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप सो हमें यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करके ये क्वेरी जो वैल्यू रिटर्न करेगी उसके अंदर असाइन करना पड़ेगा राइट सो दिस इज द डिफरेंट स्टूडेंट्स के सिंगलटन क्वेरी होती है तो हमें उस हिसाब से उसे हैंडल करना है और सिलेक्ट क्वेरी के जिसका यूज करके रिकॉर्ड रिटर्न होते हैं उसे हमें अलग तरह से हैंडल करना है राइट right? ओके okay. सो so सिंपल अगर हमें सिंगल्टन क्वेरी को यूज करना है मतलब एग्जीक्यूट करना है सो रिमेंबर सिंगल्टन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले एक्सप्लीजिटली कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा कनेक्शन ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हो सिंगल्टन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज करना है अगेन आई रिपीट सिंगलटन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज करना है नाउ ये एग्जीक्यूट स्केलर मेथड सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगी ऑब्वियसली काउंट ऑफ एम्प्लॉय वो रिटर्न करेगी इन शॉर्ट मुझे वो काउंट ऑफ एम्प्लॉय जो ये एग्जीक्यूट स्केलर मेथड रिटर्न करेगा उसे मुझे हैंडल करना है हैंडल करने के लिए ऑब्वियसली या तो मैं इसे कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकती हूँ या फिर कोई कंट्रोल के अंदर मैं असाइन कर सकती हूँ राइट सो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या किया है ऑलरेडी ये लेबल कंट्रोल लिया है कि जिसके अंदर मुझे क्या करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्प्ले करने हैं तो क्यों मैं वेरिएबल का यूज करूं मेरे पास ऑलरेडी कंट्रोल है तो वो मैं कंट्रोल के अंदर डायरेक्टली मैं असाइन कर सकती हूं सो so मैं यहां पे क्या लिखूंगी LBL count that is the name of my uh, control dot text property label ki text property maine yahan pe use ki uske baad ek message bhi likh dete hai chalo uske andar we will write count of employees right is equal to double quotation over एक message भी मैंने यहाँ पे specify कर दिया अब मुझे ये दोनों को concatenate तो करना ही पड़ेगा so, एम परसेंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया एंड उसके साथ साथ मैंने कमांड की मेथड को कॉल कर दिया ये ये जो label control है, उसके उसके अंदर पहले आएगा count of employees, और उसके बाद होगी। तो ऑब्वियसली जितने एम्प्लॉइज होंगे टेबल के अंदर उसका काउंट इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज द कनेक्शन राइट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि भी आप कनेक्शन ओपन करो तो वो पर्टिकुलर स्कोप के अंदर वो कनेक्शन क्लोज होना चाहिए ये हमेशा आप याद रखना वरना ये एरर देगा राइट स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमने यहाँ पे सीएमडी वन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है राइट right? सो so, हम यहाँ पे सी एम डी वन डॉट एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज करेंगे राइट right? बिकॉज हमने ये जो सी एम डी ऑब्जेक्ट था उसके अंदर तो ये वेरीफायर की है और सी एम डी वन के अंदर हमने यहाँ वेरीफायर की है कि जिसके अंदर हमने काउंट डिस्प्ले काउंट फैच करवाया है राइट सो ऑब्वियसली मेरी मिस्टेक थी यहाँ पे सीएमडी की जगह सीएमडी वन डॉट एग्जीक्यूट स्केल आर आएगा राइट सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दोनों टास्क हमने एग्जीक्यूट कर दिए है मतलब उसके रिलेटेड लॉजिक लिख दिया है अब हमें क्या करना है क्लोज की क्लिक इवेंट के ऊपर सिंपल हम हमेशा लिखते हैं दैट इज मी डॉट क्लोज क्लोज सो इसका यूज करके ये फॉर्म हो जाएगा बट नाउ वॉट स्टूडेंट हमारे पास फॉर्म है राइट right? लेकिन ये फॉर्म अभी एस डी आई है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है मुझे इसको एम डी आई के साथ अटैच करना पड़ेगा के so के साथ अटैच करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्ट्स मेनू है सो रिपोर्ट्स मेनू के अंदर फर्स्ट रिपोर्ट में ऐड करूंगी टोटल एम्प्लॉय राइट अगेन आई रिपीट रिपोर्ट मेनू के अंदर मैंने फर्स्ट ऑप्शन ऐड किया दैट इज टोटल एम्प्लॉयज अब मुझे इसकी क्लिक इवेंट के ऊपर ये फॉर्म को कॉल करवाना है राइट सो मैं यहाँ पे टोटल करूंगी सो एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज की क्लिक इवेंट ओपन हो गई राइट right? उसके अंदर हम लिखेंगे दैट दैट इज 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 डीम एज न्यू टोटल द नेम ऑफ फॉर्म डॉट ओनर इक्वल टू मी मतलब मैंने जो एम डी आई फॉर्म है उसको मैंने आर पी टी टोटल एम्प्लॉय का ओनर बना दिया उसके बाद एफ वन डॉट शो इन टास्क बार इज इक्वल टू फॉल्स एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेटमेंट दैट इज एफ वन डॉट शो डायलॉग राइट जैसे हम हमेशा ये फोर स्टेटमेंट लिखते हैं कोई भी फॉर्म को ओपन करने के लिए सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे एड कर दिए इन शॉर्ट हमने रिपोर्ट का फॉर्म ऐड किया उसको डिजाइन किया उसके रिलेटेड लॉजिक लिखा डेटाबेस बेस किया एंड आफ्टर दैट हमारा जो एम डी आई फॉर्म है दैट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस फॉर्म उसके ऊपर हमने रिपोर्ट मेनू था उसके अंदर टोटल एम्प्लॉइज का ऑप्शन ऐड किया एंड विद इन दैट उसके अंदर हमने ये फॉर्म को अटैच कर दिया राइट सिंपल थिंग अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं सो so, मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया राइट right? हमारा फॉर्म एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे रिपोर्ट मेनू है उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे टोटल एम्प्लॉय सी जैसे हमने टोटल एम्प्लॉय मेनू के ऊपर क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक ही एम्प्लॉय था राइट right? सो so, वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सी हमने वहां पे डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम दोनों चीज डिस्प्ले की थी सो so, वो दोनों थिंग आप यू आर एबल टू सी विद इन दिस एंड अलोंग विद दैट हमने काउंट ऑफ एम्प्लॉइज भी डिस्प्ले किया जहां पे हमें यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है राइट लेट्स डू वन थिंग इसे क्लोज करते हैं डेटा एंट्री में जाके एक एम्प्लॉय एड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल टू राइट एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं सैलरी स्पेसिफाई कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने स्पेसिफाई किया राइट डेट ऑफ जॉइनिंग हम नाइन्थ नवंबर uh, ले लेते हैं एंड इंसर्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ राइट right? एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया इन शॉर्ट अब हमारे पास टू एम्प्लॉयज है राइट right? सो so वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं सो रिपोर्ट में टोटल एम्प्लॉयज के ऊपर मैं क्लिक करूंगी सी यू आर एबल टू सी दोनों एम्प्लॉइज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं विद डिपार्टमेंट नेम एंड अलोंग विद यहाँ पे काउंट ऑफ एम्प्लॉइज में टू आपको दिखाई दे रहा है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ क्या आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो राइट right? इसे हम स्टॉप कर देते हैं सो स्टूडेंट्स लेट्स डू वन थिंग ये लेक्चर के लिए इतना ही राइट right? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर रिपोर्ट्स हम देखेंगे राइट right? Okay.